लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। ये एक शॉर्ट पोइम है लैंगस्टन ह्यूज़ की, जिसमें सिर्फ दो स्टैंजाज हैं। इसके नाम से यही अंदाज़ा होता है कि इसमें ड्रीम्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। और पहले स्टैंजा में वो कहता है कि होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, फॉर इफ ड्रीम्स डाई लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। इस स्टैंजा में पोइट कहता है कि वो अपने ख्वाबों को थाम कर रखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। और अब ख्वाब सिर्फ वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि ये ख्वाब वो हैं जो लोग जागते हुए खुली आंखों से भी देखते हैं। यानी एम की बात कर रहा है अपने, कि इंसान सोचता है कि मैं ये अपनी अच्छी एजुकेशन का या ज़िंदगी के लाइफस्टाइल को अपने अपग्रेड करने का ख्वाब देखता है। फिर वो कहता है कि अगर ख्वाब ख़त्म हो जाएंगे तो ज़िंदगी की खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही परिंदे जैसी हो जाएगी जो उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पर टूट चुके हैं। बर्ड को पोइट ने मेटाफोर के तौर पर इस्तेमाल किया है, यानी अगर हम ख्वाब देखना छोड़ दें तो ज़िंदगी में होप ख़त्म हो जाएगी और एक नाउम्मीदी सी पैदा हो जाएगी। सेकेंड स्टैंजा में कहता है कि होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, फॉर व्हेन ड्रीम्स गो लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड फ्रोजन विथ स्नो। अब इस स्टैंजा में पोइट वही लाइन यूज़ करता है ख्वाब बहुत अहम है और ख्वाबों के बगैर, ड्रीम्स के बगैर ज़िंदगी एक बिल्कुल बंजर ज़मीन की तरह है, बैरन फील्ड जो बर्फ़ से जमी हुई है। अब पोइट ने दूसरा मेटाफोर यूज़ किया है, बंजर ज़मीन जिसमें कुछ उग नहीं सकता और जो तकरीबन यूज़लेस होती है। तो ज़िंदगी तो हरी भरी अच्छी लगती है, उस पर मुख्तलिफ़ फसलें, ज़मीन तो हरी भरी अच्छी लगती है उस पर मुख्तलिफ़ फसलें उग सकती हैं, लेकिन ख्वाबों के बगैर ज़िंदगी भी ऐसी ही हो जाती है बिल्कुल बंजर ज़मीन की तरह, जिसमें कोई जोश एक्साइटमेंट नहीं रहती और कुछ नया करने का हौसला भी नहीं रहता। और इंसान की ज़िंदगी में मोटिवेशन की और इंस्पायरेशन की बहुत जगह होती है।